हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पीनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। वैसे पत्ता गोभी की रेसिपी तो सभी के घरों में बनती है ठंडी के मौसम में, पर क्या है ना, अधिकतर लोग जो है इसकी सूखी सब्जी या तो पकौड़ियाँ ही बनाते हैं। पर मैं आज पत्ता गोभी की एकदम अलग और नई रेसिपी बनाऊंगी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हम पत्ता गोभी को बारीक काट करके उसमें नमक डाल करके रख दिए हैं साइड में, और यहाँ मिक्सर जार में एक प्याज और थोड़े से लहसुन की कलियाँ, अदरक, एक हरी मिर्च, थोड़े से गरम मसाले, जीरा डाल करके इसका जो है हमें पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो इसको रख देंगे साइड में। और ये देखिए, पत्ता गोभी में जब हम नमक डाले थे तो उसमें बहुत सारे पानी रिलीज हो गए हैं, तो इसमें हम वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको डाल दिए हैं। थोड़े से सूखे गरम मसाले डाल दिए हैं, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा जीरा, इन सबको हम डाल करके इसको मसल मसल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि पत्ता गोभी जो भी पानी है वो अच्छे से निकल आए। तो पत्ता गोभी में बहुत सारे पानी निकल आए हैं और पत्ता गोभी एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम 4 चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप जो है आपको और ज़्यादा बेसन डालना है तो आप डाल सकते हैं, पर मैं जो है बस 4 चम्मच बेसन में डालूंगी और उतने में जो है ये पत्ता गोभी का जो पानी है वो सोख करके बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो इसमें ना तो हमें अब पानी डालना है और ना ही इसमें ज़्यादा बेसन डालना है, बस इस तरह से मिक्स करके रख दिए हैं साइड में। अब यहाँ पर हम लिए हैं कढ़ाई और इसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप भी अगर इसे सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। वैसे आप जो ऑयल खाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, कुछ सूखे मसाले हम इकट्ठा करके रख ले रहे हैं। तो यहाँ हम 1/2 चम्मच लिए हैं हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लिए हैं धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही लेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर करके लेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। जब हम इस तरह से मसाले मिक्स करके डालते हैं ना तो सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम तेल गर्म हो गया तो इसमें हम डाल दिए हैं 1/2 चम्मच जीरा और डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी रेसिपी आप बनाइए, सब्जी हो या कुछ भी नाश्ता हो, तो उसमें अगर आप हींग डाल देते हैं ना तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और पसने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये जीरा जो है अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम ये मसाला पेस्ट डाल देंगे जो हम मिक्स करके रखे हुए हैं। तो इसको इस तरह से डाल देंगे और इसको हम ज़्यादा पानी डाल करके नहीं मिक्स करते, थोड़ा सा सूखा ही मसाला है। अब इस तरह से ये मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से भुन जाएगा और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। जब मसाले जो अच्छे से भुन जाते हैं ना तो कोई भी आप सब्जी बनाइए, कोई भी नॉर्मली सब्जी बनाइए, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टमाटर जिसको हम पहले से रफली काट करके रख लिए थे। इसको हम जो है इस तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे जिससे कि टमाटर भी हमारा अच्छे से भून जाए। और टमाटर भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वैसे आप इसका पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से टमाटर काट करके डाली हूँ। अब इसमें जो हम अदरक प्याज लहसुन का जो पेस्ट तैयार किए थे वो भी हम इसी मसाले में जो है डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर मसालों को जो हम ज़्यादा देर तक भूनेंगे अच्छे से, तो हमारे मसाले जो है भून भी जाएंगे और जो टमाटर है हमारा एकदम सॉफ्ट होकर के एकदम पेस्ट के जैसे बन जाएगा। हमें पेस्ट बना करके डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और जो कटोरी में थोड़े से मसाले रह गए थे लगे उनको इस तरह से मिक्स करके हुए, और जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किए थे मिक्सर जार में उसमें भी थोड़े से ये पेस्ट लगे हुए हैं, तो उसमें हम ये पानी डाल देंगे और अच्छे से जो है हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और उसे भी हम इन्हीं मसालों में जो है डाल देंगे जिससे कि मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएँ। ये रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और एकदम अलग, एकदम यूनिक रेसिपी है। अगर एक बार आप इसे बना करके किसी को खिला देंगे ना तो सच मानिए आपके घर में ढेर ढेर सारे पत्ता गोभी आने लगेंगे। तो इसमें हम नमक डाल दिए हैं 1 चम्मच नमक और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो अब नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, इन मसालों को हम ढक करके पकने देंगे जिससे कि जो है टमाटर है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और भून जाएं। नमक डालने से इस मसाले बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी भून करके तैयार हो रहे जाते हैं। तो ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए। तो इसमें हम 1/2 कटोरी उबला हुआ मटर डाल देंगे। तो हमारे मटर को पहले से उबाल करके रख लिए थे,
मटर को उबालते समय अगर इसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल देंगे ना, मटर का कलर जो है बहुत अच्छा आता है और मटर उबालने के बाद पिचकती भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं मटर का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हरा हरा दिख रहा है। तो इसे भी मसालों में डाल करके हम अच्छे से भून लेंगे। बस 2 मिनट लगता है भूनने में और मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून करके फाइनली तैयार हो गए हैं। और जितने अच्छे से मसाले भून जाते हैं सब्जी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और खाने में तो सभी को पसंद आती ही है। और पत्ता गोभी की जब इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो यकीन मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मसाले भुन गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब ही पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है हम गाढ़ी रखेंगे, क्योंकि मुझे इसे रोटी या पूड़ी के साथ ही सर्व करना है, चावल के साथ नहीं करना है। तो अगर आपको चावल के साथ देना है तो आप थोड़ी सी ग्रेवी और पतली भी रख सकते हैं। अब इसे हम रख देंगे पकने के लिए। तो ये हम दूसरे साइड में दूसरे चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो अभी इसी पे हम रख दिए हैं दूसरा पैन और उसमें डाल दिए हैं तेल। और तेल जो है जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब जो हम पत्ता गोभी मिक्स करके रखे हुए थे बेसन और मसालों में, उसे इसमें हम जो है डालते जाएंगे। तो हम जो ग्रेवी है उसको दूसरे साइड रख दिए हैं गैस को धीमा करके, जिससे को अच्छे से आराम से ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए। तो हाथों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि हाथों में चिपके नहीं, और थोड़ा सा पोर्शन ले करके इस तरह से इसे रोल करते हुए हम बना करके रखते जाएंगे, क्योंकि अभी तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इसे बना करके रख लेंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप भी इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए पत्ता गोभी की रेसिपी जब आप एक बार बना करके किसी को खिलाएंगे ना तो सभी को फेवरेट हो जाएगा। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम ये जो रोल बना करके रखे हुए पत्ता गोभी का, इसे डालते जाएंगे। फटाफट डाल देंगे, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी डालना है। और डालने के बाद गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो मीडियम कर देना है, वरना क्या होगा ये ऊपर से तो जल्दी से लाल हो जाएंगे पर ये अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। और इसे टाइटली रोल करना है क्योंकि पत्ता गोभी है ना वो बीच से फिर निकलने लगता है। तो अच्छे से टाइटली रोल करते हुए इसी तरह से तेल में हम डाल देंगे जितनी कि एक बार में आ जाए, ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ में। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं और इसे चलाते हुए अच्छे से जो है पलट लेंगे जिससे कि ये टूटे ना। बहुत सावधानी के साथ इसे पलटना है जिससे कि अच्छे से जो है ये फ्राई भी हो जाए, कच्चे भी ना रहें, अंदर तक पक जाए और ये टूटे भी ना। तो हमें जो है बहुत ही सावधानी के साथ इसे इस तरह से पलटते हुए जो है फ्राई कर लेना है। तो आप देख ही रहे हैं ना कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो ऐसे ही हम दूसरे तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये जो है सारे रोल जो हमारे हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको निकाल करके प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल को बना करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ना रोल बहुत अच्छे से पक भी गए हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इनको गोल शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं, टिक्की का शेप भी दे सकते हैं, पर मैं इसे इस तरह से रोल के शेप में बनाई हूँ। तो आपने देखा है कितनी झटपट कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें बन करके तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से जो है निकालेंगे जिससे कि जिसका तेल है उसी में कढ़ाई में गिर जाए। तो ये सारे रोल बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम ये पैन हटा करके अलग रख देंगे और चलिए ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और करेंगे इन्हें मिक्स। कसूरी मेथी डालने से ना सब्जी का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसमें जो हमें रोल बना करके रखे हुए हैं इसको इस तरह से हम ग्रेवी में डाल देंगे। और अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा कि ग्रेवी को बहुत अच्छे से ये जो रोल है एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ग्रेवी हमारी अच्छे से गाढ़ी भी हो जाएगी और ये रोल जो है बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या है, अब गैस को ऑन नहीं करना है, अब इसी तरीके से इसे सोख होने देना है। तो इसको रख दे रहे हैं
और अब हम तब तक पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो आपने देखा है बहुत झटपट ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी बन करके तैयार हो गई हैं और इन्हें हम सर्व कर रहे हैं। आपको हम काट करके भी दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। एकदम भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इनको काटते ही तुरंत ये टूट जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये पत्ता गोभी की यूनिक रेसिपी? एकदम नई रेसिपी है और जो लोग पत्ता गोभी नहीं खाते हैं वो भी इसे मांग मांग करके खाएंगे। तो हम तो चल रहे हैं खाने के लिए। और आपको अगर रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रा भी पसंद आई होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।